नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। आइए नजर डालते हैं फटाफट 20 बड़ी खबरों पर। आज अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। ट्रंप के स्वागत के लिए लगेंगे ट्यूलिप के पौधे, रंग बिरंगे फूलों से सजेगी दिल्ली। 100 करोड़ के खर्च पर ताज का दीदार करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, साथ हेलीकॉप्टर आसमान से रखेंगे नजर। पहली बार भारत के दौरे पे विपक्षी नेता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से नहीं करेंगे मुलाकात। गुजरात के सीएम रूपाणी को अमेरिकी एजेंसी ने नहीं दी इजाजत, रोड शो में होना चाहते थे शामिल। पीएम मोदी सोनिया और अडवाणी से मिले सीएम उद्धव ठाकरे, कहा किसी को भी एनपीआर और सीएए से डरने की जरूरत नहीं। रामनवमी नहीं, अक्षय तृतीय पर शुरू हो सकता है अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण। संघ प्रमुख मोहन भागवत की दो टोक, गलतफहमी में ना रहे, टुकड़े टुकड़े गए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में लश्करे तैयबा के दो आतंकी ढेर, हथियार गोला बारूद भी बरामद। पीएफआई के कई खातों में लेन देन के मिले सुराग, अब तक 150 सक्रिय सदस्य गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में पोस्टरबाजी ने बिगाड़े कांग्रेस के हालात, सिंधिया को पार्टी छोड़ने की सलाह। प्रशांत किशोर अगर आम आदमी पार्टी में होना चाहते हैं शामिल तो हमें कोई दिक्कत नहीं, बोले संजय सिंह। दिल्ली के फतेहपुर बेरी में लुटेरों ने दुकानदार की गोली मारकर की हत्या। उत्तरी दिल्ली में गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूल 31 मार्च तक होंगे बंद, हजारों बच्चों को हो सकती है दिक्कत। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल, मथुरा के एसएसपी समेत 5 आईपीएस बदले। सुरक्षा मामलों में सहयोग बढ़ाएंगे भारत और मालदीव, अमित शाह ने की शेख इमरान अब्दुल्ला से वार्ता। आतंकी हाफिज सईद के खिलाफ मामला दर्ज, लाहौर कोर्ट ने दी स्थानांतरित करने की अनुमति। अमेरिकी राष्ट्रपति ने की शुभ मंगल ज्यादा सावधान की सराहना। सुरक्षा को लेकर श्रीलंका में लग सकता है बुरके पर प्रतिबंध। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सोना चांदी की कीमतों में भारी उछाल। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी।